हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 4.2। कक्षा 6 विषय गणित, प्रश्नावली 4.2 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। हम इस प्रश्नावली के सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। सवाल नंबर 1, नीचे दी हुई वक्रों को फर्स्ट खुली या सेकंड बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। या तो आपको खुली या बंद वक्र के रूप में इन आकृतियों को वर्गीकृत करना है, ए बी सी डी ई। अब ये आकृतियां हैं, तो आपको इसको दो तरीके से स्पष्ट है। फर्स्ट आपके हैं खुली वक्र, खुली वक्र, एंड सेकंड है आपके बंद वक्र। इन आकृतियों में आपको खुली वक्र एवं बंद वक्र बतानी है। कौन सी आकृति खुली वक्र है, कौन सी आकृति बंद वक्र है। खुली आकृति जो मतलब मिली हुई नहीं हो वो होती है खुली, एंड जो बंद हो पेक तो वो उसको जिसको हम क्लोज भी कह सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो वक्र है, क्या ये बंद वक्र है? नहीं, ये है खुली वक्र। इसमें आएगा ए वाला, बी देखिए ये वक्र पूरा बंद है, तो ये बंद वक्र में आएगा बी वाली आकृति, इस बंद वाले वक्र में आएगी सी वाली आकृति। ये जो वक्र है ये यहां से देखिए खुला है, तो इसे हम खुली वक्र में सी वाली आकृति खुली वक्र में बताएंगे। डी वाली आकृति ये बंद वक्र है, इसको बंद वक्र वाले में लिखना है डी। और ई वाली ये भी बंद वक्र है, इसको भी हम बंद वक्र वाले में लिखेंगे। तो खुली वक्र कौन कौन सी है, ए और सी। ए और सी ये है खुली वक्र, बी डी और ई ये है बंद वक्र। समझ में आ गया, खुली वक्र एवं बंद वक्र। चलिए अगला सवाल, पहला समझ में आ गया होगा आपको, देख सकते हैं आप पहला वाला सवाल, इसमें खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत करना था, तो हमने खुली एवं बंद वक्र के रूप में इनको बताया दिखाया। आप इसको देखिए समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, बंद वक्र दिख रहा है अब आपको। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला है दूसरा, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ये है खुला वक्र, खुला वक्र स्पष्ट करना है, तो आपको खुला वक्र जिसे अभी हमने समझा तो आप बना सकते हैं इस टाइप से, ये वाला ये खुला वक्र है, या इस टाइप से आप ये वाला बना सकते हैं, ये भी खुला वक्र है। इस टाइप से आप कुछ भी वक्र बना सकते हैं, ये वक्र ये भी खुला वक्र है। तो खुले वक्र के लिए आप कोई सी भी आकृति बना सकते हैं, ऐसे ही बंद वक्र, तो बंद वक्र के लिए आप देख सकते हैं ये वाला वक्र बंद वक्र है, ये वाला भी बंद वक्र है। इस प्रकार से आप बंद वक्र कुछ भी बना सकते हैं, बंद करना है तो ये वाला भी बंद वक्र है। इस प्रकार से आप बंद वक्र भी बता सकते हैं, खुले वक्र एवं बंद वक्र आप इजीली आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया, खुले वक्र एवं बंद वक्र। नेक्स्ट अगला है तीसरा, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित यानी शेड कीजिए। आपको बहुभुज खींचना है, बहुभुज खींचने के लिए आपको सीधे सरल रेखाएं की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप रूलर की मदद से रेखाएं खींच सकते हैं। बंद वक्र बनाएंगे हम, आपने इस प्रकार से बना दिया, अब इसको आप
यहां से खींच लें, बंद करना है, सरल रेखाओं से आपको बंद करना है। ये आप इस प्रकार से सरल रेखा खींचेंगे इस तरफ। अब आप यहां से इस प्रकार से और भी खींच सकते हैं यहां, अब आप चाहे तो इस टाइप से भी यहां से आप बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये एक हमने बहुभुज खींच लिया, समझ में आ गया। सरल रेखाओं से जो अपन क्लोज वक्र यानी बंद वक्र जो बनाते हैं, तो ये एक बहुभुज है, समझ में आ गया। इसमें कितनी भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है। ऐसे आप 3 भुजाओं से बना सकते हैं, 4 भुजाओं से बना सकते हैं, 5, 6 जितनी आप चाहे उतनी भुजाओं से कोई भी बहुभुज बना सकते हैं, खींच सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अभ्यंतर को छायांकित करना है। अब इसका अभ्यंतर कहाँ है, अंदर वाला जो भाग है वो होता है अभ्यंतर, और बाहर वाला भाग होता है वो बाह्य भाग होता है। तो अपन अभ्यंतर को छायांकित करेंगे। हम कलर दूसरा ले लेते हैं, जैसे रेड कलर ले लेते हैं, या आप चाहे जो कलर भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम इसको किस प्रकार से छायांकित करेंगे, समझ में आ गया। यहां हम लिख देंगे अभ्यंतर, समझ में आ गया। ये वाला जो भाग है वो अभ्यंतर भाग है, इसको हमने छायांकित कर दिया, समझ में आ गया। बहुभुज एंड उसका अभ्यंतर, क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 4, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आकृति देखनी है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपको ये आकृति दिख रही है, ए क्या यह एक वक्र है, बिल्कुल। ये गणित में हम सरल रेखाओं से बनी हुई जो आकृति होती है तो वो उनको भी हम वक्र ही कहते हैं। तो हाँ, हम कहेंगे हाँ यह एक वक्र है। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ यह एक वक्र है, ये इसका आंसर हो गया। बी है क्या यह बंद है, अब देख सकते हैं क्या यह बंद है, पूरा बंद है ना, तो ये वाला बंद है, इसे हम कहेंगे हाँ यह वक्र बंद है। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ यह वक्र बंद है, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि तो ये वक्र है और बंद है, ये आपको समझना है। आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट अगला 5वां, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। वो हमें इनकी रफ आकृतियां बनानी है। ये है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक बंद वक्र बनाना लेकिन वो बहुभुज नहीं है। बहुभुज में क्या होता है, आपको ध्यान में है कि वह रेखाएं सरल होती है। तो आपको एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है, तो आप बंद वक्र कोई सा भी बना सकते हैं, जैसे कि हम ये वाला, आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको सरल रेखाएं नहीं लेनी उसमें। बहुभुज में सरल रेखाएं होती हैं और इसमें आपको एक बंद वक्र बनाना है, तो ये एक बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। ये केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, अब रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र बनानी है, आपको रेखाखंडों का उपयोग करना है। इसमें हम रूलर की मदद से रेखाखंड खींचेंगे, लेकिन आपको खुला रखना है। ये खींच दिया, आप इस प्रकार से इसको खींच देंगे।
आप इस प्रकार से इसको खींच लीजिए। अब आपको बंद नहीं करना है, ये एक रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र है, रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला है सी, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। अब दो भुजाओं वाला बहुभुज बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? दो भुजाओं वाला कभी भी कोई बहुभुज नहीं बन सकता है, कम से कम तीन भुजाएं उसके लिए आवश्यक होती हैं। हम लिख सकते हैं असंभव। क्या उत्तर होगा? असंभव, क्योंकि दो भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं होता है। दो भुजाओं वाला कोई कोई भी बहुभुज नहीं होता है। दो भुजा वाला कोई भी बहुभुज नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर? दो भुजा वाला कोई भी बहुभुज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 के सवालों को समझा। आप इन सवालों को समझते हुए अभ्यास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL.AT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।